नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राधिका। मकर संक्रांति पर गंगा सागर, गंगा, गोदावरी, प्रयाग आदि पवित्र नदियों में स्नान का बड़ा ही महत्व है। आज मकर संक्रांति के पर्व पर पवित्र नदियों में स्नान करने लोगों की भीड़ घाटों पर उमड़ी है। कोरोना संक्रमण और भीषण ठंड पर आस्था भारी पड़ी है। आज के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने की प्रथा है। माना जाता है कि ऐसा करने से इंसान के सारे कष्टों का अंत हो जाता है। हालांकि कोरोना के बढ़ते खतरे की वजह से हरिद्वार, ऋषिकेश में गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगाया गया है। साथ ही प्रयाग, गढ़मुक्तेश्वर, बनारस और गंगा सागर में भी सख्त नियम लागू हैं। वहीं गंगा सागर में भी लोग सुबह से ही डुबकी लगा रहे हैं। कहा जाता है कि सारे तीर्थ कई बार, गंगा सागर एक बार। इस वक्त पश्चिम बंगाल के गंगा सागर में गंगा स्नान के लिए 3 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं। माना जाता है कि गंगा सागर में संक्रांति के दिन स्नान करने से भक्तों को 10 अश्वमेघ यज्ञ और 1000 गाय दान करने का फल मिलता है और इसी कारण लोग उत्तरायण के दिन यहां दूर दूर से स्नान करने पहुँचते हैं। कोरोना काल में अगर आप गंगा स्नान करने नहीं जा पा रहे हैं तो ऐसे में घर पर रहकर सुरक्षित गंगा स्नान का पुण्य पाने का एक आसान सा उपाय शास्त्रों में बताया गया है, जिसे आप आजमा सकते हैं। घर में स्नान के लिए किसी साफ बाल्टी या टब में जल भर लें। इस जल में गंगा मैया का ध्यान करते हुए आवाहन करें और स्नान के लिए प्रयोग किए जाने वाले जल में गंगा जल मिला लें। उत्तर दिशा में मुँह करके स्नान करें। सबसे बड़ी बात यह है कि रविदास जी ने कहा है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, यानी पवित्र भाव और आस्था से आप जहां माता गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करेंगे वहीं आपको गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो जाएगा। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा ही महत्व है। धार्मिक दृष्टि से ऐसा माना जाता है कि इस दिन से देवलोक यानी स्वर्ग के दिन का आरंभ होता है। इस दिन स्वर्ग के दरवाजे खुल जाते हैं। सूर्य के उत्तरायण होने के साथ ही मांगलिक कार्य आरंभ हो जाएंगे। मकर संक्रांति के आगमन के साथ ही एक माह का खरमास भी खत्म हो जाता है और शादी से लेकर पूजा पाठ तक सभी मंगल कार्य मकर संक्रांति से शुरू कर दिए जाते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।